नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूँ ब्रेक के बाद बेहद ही अहम न्यूज़ के साथ। दरअसल गुरदासपुर से अभी अभी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और प्रधानमंत्री के शपथ समारोह के बाद मंत्री का वितरण होने के बाद सनी देओल हिमाचल की वादियों में उतार रहे हैं चुनाव की थकान। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सनी देओल ने धूम मचा दी है। सनी देओल ने अपना राजनीतिक पारी की शुरुआत जीत से करते हुए गुरदासपुर सीट से मौजूदा सांसद और कांग्रेस के सुनील जाखड़ को पछाड़ दिया और सनी के इस शानदार जीत पर इन दिनों हिमाचल की वादियों का आनंद ले रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब, खास करके गुरदासपुर की जनता आस कर रही है कि सनी जल्दी ही वापस आ जाए। और आपको बता दें कि 31 मई को सनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो गए हैं। यहाँ भांति भांति की टिप्पणियां इंस्टाग्राम यूजर्स कर रहे हैं। दरअसल सनी देओल ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को 82,459 मतों से हराया है, जिसके जीत के बाद एकदम से गदर फिल्म वाले स्टाइल में फिर से खुले ट्रक में वोटर्स का धन्यवाद करने गुरदासपुर इलाके के लोगों के बीच वो निकले थे और फिर चुनावी थकान मिटाने के लिए अभी हरियाली भरे वातावरण में मनाली चले गए हैं। और उन्होंने वहां खूबसूरत स्थान पर कॉटेज बुक करवाया है जिसमें कुछ ही दिनों चुनावी प्रचार की थकान मिटाने का इरादा था। हालांकि सनी अपने साथ जिम का सामान भी लेकर के गए हैं। और बता दें कि अब सांसद बने सनी देओल को एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो चला है और अब तक पंजाब अपने कार्य क्षेत्र में वापस वो नहीं आने के चलते लोग विभिन्न तरीके की टीका टिप्पणियाँ भी करने शुरू कर दी हैं उनके ऊपर। खास करके 31 मई को जैसे ही सनी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर हिमाचल की वादियों की मौज मस्ती का वीडियो शेयर किया, उसके तुरंत बाद टिप्पणियों की बारिश शुरू हो गई थी। बता दें कि सनी देओल जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार से प्रसार से गुरदासपुर में जीत उन्होंने हासिल किया है, उसको उन्होंने कई दफ़ा कहा था कि गुरदासपुर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी अपने कार्य के लिए बाहर ना जाए, बल्कि क्योंकि वो हिमाचल में छुट्टी मना रहे हैं तो ये ज़रा सा उनके फैंस को भी नागवार गुजर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल का हिमाचल प्रदेश में जा कर के छुट्टियाँ मनाना कितना सही है? क्या ये एक सीरियस एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक संकेत देना है या फिर ये दर्शाता है कि वो राजनीति दुनिया से क्योंकि बिल्कुल भी अनजान है, इस दुनिया में उनको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा और इसी का एक रीज़न है मेन कि वो अभी अभी थकने के बाद यानी कि चुनाव के बाद उन्हें छुट्टी मनाने की जरूरत आन पड़ी? आपकी क्या सोच है आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर से हाजिर होंगे ब्रेक बाद कुछ अन्य न्यूज़ के साथ। देखते रहे टुडेज़ न्यूज़ चैनल और अगर आप हमें यूट्यूब पर देखना तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।